वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डॉक्टर शेथ के एक प्रोडक्ट का रिव्यू, एंड दैट वन इज सेंटिला एंड नियासिनमाइड सीरम। सो यस, इस सीरम को मैं आई थिंक बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, और आई थिंक आप देख सकते हो यहाँ तक मेरी बॉटल फिनिश हो गई है। अगर आपको प्रोडक्ट दिखेगा तो लुक एट दिस, हिल रहा है ना थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक का प्रोडक्ट है और पूरी बॉटल मैंने खत्म कर दी है। ऑलमोस्ट 1 मंथ से ऊपर हो गया है मुझे इसको यूज करते करते, एंड बॉक्स की हालत तो बहुत ही बुरी हो रही है। सो यस, अच्छे से अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि इज इट रियली वर्थ बाइंग और नॉट, नियासिनमाइड आपको यूज करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, किन रीजन के कारण करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो ये अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं है। सो यस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स lot to me guys. So yeah, without further ado, let's get started. पहले इसकी packaging and all देख लेते हैं, then मैं अपना experience आपको detail में बताऊंगी. So yes, this is the outer box packaging. This is the Dr. Sheth Centella and Niacinamide Serum. इसके अंदर जो ingredient list है, that one is 10% Niacinamide, 1% Zinc PCA, प्रोबायोटिक ब्लेंड है, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट है, सेंटेला एसिटिका एक्सट्रैक्ट है। तो सेंटेला बेसिकली ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। नियासिनमाइड, वी ऑल नो नियासिनमाइड बेसिकली जो भी आपके अनइवन स्किन टोन है, मतलब कहीं से ब्लैक है, कहीं से पैचेस दिख रहे हैं अलग से वाइट ब्लैक, सो उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। इनफैक्ट अगर आपके एक्ने स्कार्स है उन पर भी वर्क करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, साथ ही साथ में ये आपके ओपन पोर्स पे भी काम करता है। यस, नियासिनमाइड बेसिकली आपके पोर्स को श्रिंक करने में काम आएगा, एंड एक मतलब स्किन का ओवरऑल टेक्सचर काफी अच्छा देता है। सो एक स्टार इंग्रेडिएंट आप इसको बोल सकते हो, नियासिनमाइड काफी अच्छा इंग्रेडिएंट है, एंड 1% जिंक है, तो नियासिनमाइड और जिंक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। बाकी प्रोबायोटिक ब्लेंड्स है इसके अंदर, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट है, सो सोयाबीन भी एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है जो बेसिकली आपकी स्किन के डैमेज को रिपेयर करने के लिए काम आएगा। एंड सेंटेला जैसे मैंने आपको बताया था ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, बैरियर को रिपेयर करता है, एंड बहुत अच्छे लेवल में ह्यूमेक्टेंट होते हैं सेंटेला में, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में भी हेल्प करते हैं। सो यस, बात करें इसकी प्राइस की तो 599 इसकी MRP है, एंड क्वांटिटी आपको मिलेगी 30 ml, एंड मैंने इसको बाय किया था आई थिंक यस अमेजोन से ही मैंने इसको बाय किया था। सो यस, बाकी यहाँ पे पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है एक्वा नियासिनमाइड, उसके बाद में इसके अंदर ह्यूमेक्टेंट है, उसके बाद में सेंटेला एसिटिका एक्सट्रैक्ट है, और नीचे जाके कहीं 2 से 3 लाइन के बाद इसके अंदर 1 से 2 प्रिजर्वेटिव भी है। सो प्रिजर्वेटिव ब्रांड्स को डालने ही पड़ते हैं अगर प्रोडक्ट को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, और इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स, 2 साल आप इसको यूज कर सकते हो। बट मैं आपको बोलूंगी कि एक बार अगर आपने प्रोडक्ट खोल लिया है, ओपन कर लिया है, तो आप उसको विद इन 6 मंथ के अंदर यूज कर लो, ज्यादा उसको रखो मत। सो दिस इज द इनर बॉटल ही जो कि ड्रॉपर के साथ आपको मिलेगी, एंड लुक एट द कंसिस्टेंसी, मतलब बहुत ज्यादा रनी भी नहीं है, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है, एकदम जैसे जेल टाइप की कंसिस्टेंसी है। काफी अच्छी लगी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी, अदरवाइज काफी ज्यादा वॉटरी होती है ना, तो वो हैंडल ही नहीं होती है, लगाते हैं और स्किन से ऐसे बह के चली जाती है। सो यस, काफी अच्छा टेक्सचर है, वेलवेटी टेक्सचर है, और बहुत इजिली तो स्किन के अंदर श्रिंकिंग नहीं होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा पैड ड्राई करना पड़ेगा इस तरीके से टैप करके, और अच्छे से स्किन के अंदर चली जाएगी विद इन 2 मिनट्स, यस 1 से 2 मिनट लगेंगे। अभी बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो गाइज, इसको मैं लास्ट आई थिंक जैसे मैंने आप देख सकते हो क्वांटिटी यहाँ तक है, दैट मीन्स कि मैंने इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो, यस इतना सा बचा है मेरा प्रोडक्ट, बाकी पूरा फिनिश हो गया है। तो यस, नियासिनमाइड बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ, दूसरे ब्रांड्स के भी नियासिनमाइड मैंने यूज़ किया है, तो मेरी स्किन यूज टू है नियासिनमाइड के, ऐसा नहीं है कि रिएक्ट करेगा। यस, अगर आप बिगिनर हो, अभी तक आपने नियासिनमाइड नहीं यूज़ किया है, तो 10% से यूज़ मत कीजिए, जिसके अंदर 5% नियासिनमाइड है वो पहले आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप 10% पे जा सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि इस ब्रांड में 5% नियासिनमाइड है, अगर होगा तो मैं लिंक आपको दे दूंगी बिगिनर्स के लिए। बट यस, अभी फिलहाल इस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। जब मैंने इसको यूज किया था ना, तब मेरी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने थे। सो अगर आपके एक्टिव एक्ने हैं तो भी आप नियासिनमाइड यूज कर सकते हो, एंड बेसिकली इसके अंदर तो सेंटेला है, सो सेंटेला बेसिकली आपकी स्किन को काम ही रखता है। सो मुझे काफी ज्यादा एक्ने थे तब मैंने यूज किया था, और मुझे पता था अगर एक्ने हुए हैं दैट मीन्स उनके मार्क्स तो रहेंगे ही, एंड ये जो मेरा पार्ट है यहाँ पे मुझे बहुत सारे एक्ने हुए थे, और लिटरली मतलब जब मैंने इसको यूज किया ना, 4 से 5 दिन तो ऐसा मुझे लगा था कि एक्ने और बढ़ रहा है। बट आई नो कि एक बार का जो आपकी बॉडी की हीट है वो निकलती है बाहर, सो एक बार तो मुझे काफी ज्यादा हुए थे, बट जैसे जैसे मैं इसको यूज कर रही थी ना, वैसे वैसे मेरी स्किन का टेक्सचर काफी ज्यादा स्मूथ हो रहा था, और लिटरली मतलब जो एक्ने के मार्क्स थे ना, वो भी इतना मतलब जो एक्ने छोड़ के जाते हैं ना, उतने मार्क्स नहीं थे, काफी ज्यादा लाइट मार्क्स थे। और मतलब इसको यूज करते करते 15 से 20 दिन में मेरी स्किन काफी ज्यादा नॉर्मल हो गई थी, स्किन का टेक्सचर भी काफी अच्छा हो गया था। सो अगर आपको पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि यहाँ पे आपके पैचेस है पिगमेंटेशन वाले,
वाले या फिर आपकी अनस्किन टोन है, किसी का माउथ एरिया थोड़ा सा डार्क होता है या यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे पट्टी सी रहती है ब्लैक कलर की या फॉरहेड थोड़ा ब्लैक दिखता है, उनके लिए नयासिनमाइड काफ़ी अच्छा है। एंड पर्टिकुलर मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसका रिजल्ट मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। इससे पहले आई थिंक मामाअर्थ का जो नयासिनमाइड था ना उसकी मैं फैन थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड जब से मैं यूज़ कर रही हूँ ना, अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ और आई थिंक मैं इसकी सेकंड बॉटल भी परचेज करने वाली हूँ। मुझे इतना अच्छा इसका रिजल्ट लगा लिटरली, मतलब आज बहुत ज़्यादा मेकअप मैंने नहीं किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको मार्क्स दिखेंगे, ये भी दिखेंगे। सो जस्ट मैंने बीबी क्रीम लगाई है बहुत कम क्वांटिटी में, उसके बाद भी आप देख सकते हो मेरी स्किन काफ़ी अच्छी है। बाकी मैं आपको अपनी बेयर स्किन दिखा दूंगी, उससे भी आपको पता चल जाएगा। सो यस, दिस इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस गाइस। लिटरली अगर आपको अच्छा सा नयासिनमाइड सीरम चाहिए तो एक बार आप इसको जरूर से ट्राई कीजिए। नयासिनमाइड एंड जिंक का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसका बहुत अच्छा है। एंड सैंडला बेसिकली सेंसिटिव स्किन को काम रखने में काफी हेल्प करता है, सो उसके लिए भी काफी अच्छा है। एक्ने प्रॉन एंड सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो यस, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, इनकेस अगर आपको बाय करना है तो आप कर लीजिएगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।